I'm currently placed at Vapor App. Currently, I am working as front-end developer. During college time, I thought कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में बैठने को मिलेगा, बट फाइनल ईयर में रियलाइज हुआ कि कोई कंपनी आता ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो भी आता है वो सॉफ्टवेयर आता है, और फिर फाइनल ईयर में उतना टाइम भी नहीं था कि मैं अभी उसको ही पढ़ सकूँ, मैं काइंड ऑफ स्टक हो गया। और कोडिंग भी मतलब जो भी आता था ऑब्वियसली कोडिंग पूछता था, और मैं कोडिंग राउंडिंग कभी क्लियर नहीं कर पाता था। बच्चे ऑफकोर्स कोडिंग कैसे तैसे मतलब क्या देख के कर भी देते थे, बट पता नहीं मेरे में वो था कि देख के तो नहीं करना है, भले ही बाद में मतलब अच्छे से पढ़ के करूंगा। तो मैं हमेशा ट्राई करता था, बट ऑब्वियसली उतना नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो कभी हुआ नहीं इसलिए प्लेसमेंट कॉलेज से। राइट आफ्टर कॉलेज आई टुक सम टाइम टू सर्च लाइक व्हिच विल बी गुड फॉर मी, सो दैट टुक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो इन बिटवीन आई एम ऑल्सो गिविंग गेट एग्जाम, सो देन आफ्टर दैट वन डे आई गॉट टू नो अबाउट दिस मसाई स्कूल फ्रॉम यूट्यूब वीडियो, देन आई जॉइन। तो गेट का ये है कि मतलब मैं सोचा कि हर साल में एक बार आता है, और फिर वो भी मतलब क्या रट्टा मार चीज जैसा, मुझे उतना वो पसंद नहीं है। तो फिर मैं देखा सर्च किया कि ये मसाई के बारे में, देन फिर क्या मतलब वेबसाइट में जाके वो देखा कि मतलब क्या है क्या नहीं, वो जो आईएसए एग्रीमेंट 5 LPA के ना हो तो फिर कुछ देना नहीं पड़ेगा, तो ये सब अट्रैक्ट किया। और फिर ऑल्सो सक्सेस स्टोरी वो भी मतलब यूट्यूब में देख रहा था क्या क्या मतलब बोल रहे हैं और कैसा रिव्यू है, तो ऐसा बहुत सी रिसर्च करने के बाद मैं सोचा ही चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ। आई बिल्ड प्रोजेक्ट लाइक क्लोनिंग ऑफ मीडियम वेबसाइट एंड कोरा, एंड ऑल्सो इन दैट कोरा वी गॉट सेकेंड पोजिशन इन दैट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ऑल्सो गॉट 1,000 rupees फॉर दैट। This 7 months of Masai is equal to like more than 4 years of this engineering, because they don't teach at all in this deep whatever Masai is providing. And also when I joined Masai, I thought of only coding, like I will come and just learn the code and go away. But yeah, they have so many things going on, like they also provide you communication skills, and also like you will be working for 12 hours per day, like studying 10 hours, so that whenever you join company you don't feel you come to something, some new place, so that's the advantage. They also provide some assignments like presentations, you have to give some mock presentation or mock interview at the end, also we have so many HR interviews and all, yeah, so that kind of prepares us. प्लेसमेंट प्रोसेस में पहले तो हमको मतलब एक होता है मैक प्रोसेस, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसको क्लियर करने में बहुत सारे स्टेप्स है, लाइक DSS 7 एग्जाम होता है, मतलब 7 में से आपको 4 क्लियर करना पड़ता है, तो उसके बाद HR राउंड आपको क्लियर करना पड़ता है, एंड देन आपको रेज्यूमे सबसे अच्छा करना पड़ता है, और रेज्यूमे के लिए भी हेल्प मिलता है बहुत, देन ऑल्सो लिंक्डइन, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, देन पोर्टफोलियो दैट शुड बी ऑल्सो गुड, ये सब आपको क्लियर करने के बाद यू विल गेट चांस टू सिट इन द प्लेसमेंट। ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑल्सो द प्लेसमेंट टीम विल ब्रिंग एवरी डे, दे विल बी ब्रिंगिंग लाइक 1-2 कंपनी, एंड यू विल बी सिटिंग फॉर इंटरव्यूज एवरी डे फॉर एटलीस्ट 2 कंपनीज। मेरा भी मतलब एक इंटरव्यू अभी है व्यापार में, तो दूसरा इंटरव्यू माइगेट में, फिर तीसरा वही व्यापार का सेकेंड इंटरव्यू, एक साथ आपको 3-3 इंटरव्यू लाइक कंटिन्यूअसली वो भी, तो वो एक एक्सपीरियंस नया था। फिर आपको कोई मतलब इश्यू होता है या फिर प्रॉब्लम, आप जहाँ पे स्टक हो जाते हो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। सपोज जैसे DSA में आप कौन सा कॉन्टेस्ट में कम हो गए, तो फिर आपको मतलब फैकल्टी या कैसे समझाते हैं मतलब कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, तो आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। टीचर्स हमको जावास्क्रिप्ट पढ़ाए थे स्वानंद, और रिएक्ट प्रबंजन, एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग लोहित और रिकर्सन वेनु, एंड सबसे बेस्ट लगा था वो स्वानंद, उनका क्लास देखने में मजा आता था, ऐसा लगता था कि मतलब उनको पूरा डेप्थ में नॉलेज है, कहीं से एरर भी आ रहा है क्यों आ रहा है तब अच्छे से समझाते थे, और उनका वॉइस भी मतलब पढ़ाने का तरीका वही अच्छा लगता था। जैसे कि ये कोविड आ रहा था तो उसमें भी मतलब तो उनका टीम था, अगर आपको कुछ चाहिए जैसे रिलेटेड मेडिकल सपोर्ट तो वो भी कोविड के टाइम में किए थे, देन फिर आपको अगर कोई फैमिली प्रेशर या इमोशनल सपोर्ट तो उसके लिए भी मतलब आप टिकट रेस करके कोई भी इंस्ट्रक्टर से आप बात कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा हो या आप प्रेशर में हो, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो, तो उसका भी एक होता है अलग, बात कर सकते हो अपने इंस्ट्रक्टर से।
No, like I did not fail because I came only, to be a developer, and I have that thing in my mind that I should study for 12 hours per day, then only I could get something. Like दिमाग में वो पहले से बिठा के रखा था. I think उसके वजह से शायद कुछ ज्यादा लगा ही नहीं कभी टफ. मैं टफ था बट ऐसा नहीं कि कभी छोड़ दूँ, ये तो कभी नहीं था. मुझे पहले से ही पता था अभी कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा. एंड ऑल्सो जितना हम लोग कर रहे थे, असाइनमेंट्स एंड ऑल, और जितना भी टाइम टाइम दे रहे थे, तो लग रहा था एटलीस्ट कुछ तो कर ही रहे हैं. नहीं तो इतना टाइम नहीं हो सकता है, इतना कम टाइम में सीखना, रिएक्ट 1 मंथ में बहुत कुछ चीज है. आई थिंक 3 लाख विल बी अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर गिविंग इन अपफ्रंट, एंड इफ समवन इज प्रॉमिसिंग यू टू गिव सैलरी ऑफ अबव 6 LPA, देन आफ्टर दैट एटलीस्ट समवन इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी दैट यू विल गिव पेमेंट ओनली वन यू विल गेट प्लेस. अदरवाइज अपफ्रंट अगर आप 50,000 भी दोगे और अगर नहीं हो रहा प्लेसमेंट, तब तो वो ज़्यादा लॉस है 3 लाख से. इट्स बेटर कि जॉब लेके 3 लाख फिर दो.